स्टूडेंट, आज हम क्लोज बाल और क्लोज सेट से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट को डिस्कस करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम क्लोज बाल और क्लोज सेट को डिस्कस कर चुके हैं और इनसे रिलेटेड जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल्स हैं उनको भी ऑलरेडी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज के लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम इसी से रिलेटेड एक बहुत ही इम्पोर्टेंट रिजल्ट जिसको आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो हम उस रिजल्ट की स्टेटमेंट देखते हैं और देन हम स्टूडेंट इसका प्रूफ स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। थ्योरम स्टेटमेंट क्या है? एवरी क्लोज्ड बाल इन अ मेट्रिक स्पेस एक्स कॉमा डी इज अ क्लोज्ड सेट। स्टेटमेंट है जिसमें क्या कहा जा रहा है कि एवरी क्लोज बाल इन अ मेट्रिक स्पेस इज अ क्लोज सेट। कि मेट्रिक स्पेस के अंदर हर क्लोज बाल जो होता है वो एक क्लोज सेट होता है। स्टूडेंट, इससे प्रीवियस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हमने ये प्रूव किया था कि हर क्लोज बाल जो होता है रियल लाइन के अंदर, इट मीन्स द यूक्लिडियन मेट्रिक स्पेस के अंदर, वो क्लोज इंटरवल होता है। लेकिन आज हम ये प्रूव करेंगे कि हर क्लोज बाल जो होता है एक मेट्रिक स्पेस के अंदर वो एक क्लोज सेट भी होता है। स्टूडेंट, प्रूफ देखते हैं क्या है। स्टूडेंट, इसका प्रूफ के लिए स्टूडेंट सबसे पैट कर लेते हैं। लेट बी बार, जिसका के सेंटर ए है और रेडियस आर है, ठीक है, सेंटर ए रेडियस आर इज इक्वल टू एक्स बिलोंग टू कैपिटल एक्स सच दैट डी ऑफ एक्स कॉमा ए लेस देन इक्वल टू आर डी आ क्लोज्ड बाल। ठीक, ये क्लोज बाल इन मेट्रिक स्पेस एक्स कॉमा डी के अंदर ये हमारे पास क्या है, एक क्लोज बाल है। स्टूडेंट, अब स्टूडेंट हम क्या प्रूव करना चाहते हैं, हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि ये जो हमारे पास क्लोज बाल है ये हमारे पास क्या, एक क्लोज सेट है। टू शो दैट कि बी बार ए कॉमा आर इज अ क्लोज जो क्लोज सेट, ये प्रूव करना चाहते हैं। फॉर दिस वी शैल प्रूव दैट बी बार, इसका कंप्लीमेंट ए कॉमा आर इज एन ओपन सेट। राइट, हमने एक क्लोज बाल ले लिया इन मेट्रिक स्पेस एक्स कॉमा डी। टू शो दैट कि बी बार, यानी कि जो हमने क्लोज बाल लिया इज अ क्लोज सेट, इसको प्रूव करना है ये क्लोज सेट है। तो फॉर दिस वी शैल प्रूव दैट कि इसका कंप्लीमेंट जो है, क्लोज बाल का कंप्लीमेंट जो है वो क्या है, एक ओपन सेट होगा। कोई भी सेट जो होता है वो क्लोज होता है जब उसका कंप्लीमेंट जो है वो एक ओपन सेट हो, या फिर वो तमाम लिमिट्स पॉइंट्स कंटेन कर रहा हो, या फिर उसका क्लोज उसी सेट के इक्वल हो। इसको हम प्रीवियस लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं डेफिनेशन क्लोज सेट की, कि कोई भी सेट क्लोज होता है कि अगर उसका कंप्लीमेंट ओपन होना चाहिए, या फिर वो ऑल लिमिट्स पॉइंट्स को कंटेन करे, या फिर उसके जो क्लोजर आ रहा है उस सेट का जो क्लोजर है वो उसी सेट के इक्वल है, तो देन हमारे पास वो जो सेट होता है वो हमारे पास एक क्लोज सेट होता है। तो यहां पर हम प्रूव करेंगे कि इसका कंप्लीमेंट जो है वो एक ओपन सेट है। इसके लिए स्टूडेंट सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं। लेट एक्स बिलोंग टू एक्स बार कंप्लीमेंट ए कॉमा आर। राइट, यानी कि हम इस क्लोज बार में जिसका कंप्लीमेंट ले, इसमें से हम एक पॉइंट ले लेते हैं एक्स, और इसका जो डिस्टेंस होगा, दिस इंप्लाई दैट डिस्टेंस बिटवीन एक्स कॉमा ए ये ग्रेटर देन होगा आर से। राइट, क्योंकि हम जब क्लोज बार लेते हैं तो क्लोज बाल हमने लिया जिसका सेंटर क्या है, जिसका सेंटर ए है और रेडियस आर है, लेकिन जब हम इसका कंप्लीमेंट लेंगे तो वो क्या, जो डिस्टेंस होगा वो ग्रेटर हो जाएगा आर से। ले लेते हैं टेक, हम ले लेते हैं कि हमारे पास आर वन जो है वो इक्वल है, आर वन इज इक्वल टू डी
एक्स कॉमा ए माइनस आर, देन आर वन जो होगा वो ग्रेटर देन होगा जीरो से. कंसीडर बी वन एक्स कॉमा आर, ठीक है, एक्स कॉमा आर बी एन ओपन बॉल. ये हम कंसीडर कर लेते हैं बी वन, जिसका कि इसका रेडियस आर वन है स्टूडेंट, राइट. कि हमारे हमने एक ओपन बॉल ले लिया जिसका सेंटर एक्स और रेडियस क्या है आर वन है, बी एन ओपन बॉल. अब स्टूडेंट हम क्या प्रूव करना चाहते हैं, वी शैल प्रूव दैट बी जो हमने ओपन बॉल लिया ये बी वन, राइट, और इसका क्या है सेंटर एक्स और रेडियस आर वन, ये सबसेट है बी बार उसका कंप्लीमेंट, और इसका सेंटर क्या हमने लिया था ए और रेडियस क्या है आर, राइट. ये हम प्रूव करना चाहते हैं कि ये जो ओपन बॉल है ये सबसेट है इसका. कहते हैं लेट y belong to b1 x, r1, राइट. दिस इम्प्लाई दैट डिस्टेंस बिटवीन y, x लेस देन होगा किससे r1 से, बाय ट्राइंगुलर इक्वालिटी, बाय ट्राइंगुलर इक्वालिटी डिस्टेंस ऑफ x, a लेसर देन इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम एक्स वाई प्लस डिस्टेंस फ्रॉम वाई से ए, राइट. हमारे पास दिस इंप्लाई दैट डिस्टेंस फ्रॉम वाई कॉमा ए ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम एक्स कॉमा ए माइनस डिस्टेंस फ्रॉम एक्स कॉमा वाई, राइट. दिस इंप्लाई दैट डिस्टेंस फ्रॉम वाई कॉमा ए ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्टेंस फ्रॉम एक्स कॉमा ए माइनस, ये किसके इक्वल है आर वन के. यहाँ से हमारे दिस इंप्लाई दैट डिस्टेंस फ्रॉम वाई कॉमा ए ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्टेंस एक्स कॉमा ए माइनस, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल डिस्टेंस एक्स कॉमा ए माइनस फिर प्लस आर, ये इसे कैंसिल हो जाएगा. तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, नेक्स्ट दिस इंप्लाई दैट डिस्टेंस फ्रॉम वाई डिस्टेंस बिटवीन वाई एंड ए ये क्या होगा ग्रेटर देन आर है, ठीक है, ये आर से ग्रेटर होगा. तो दिस इंप्लाई दैट ये जो हमारे पास हमने लिया ओपन बॉल, ठीक है, यानी वाई एक ऐसा पॉइंट है, वाई जो है ये बिलोंग कर रहा है एक ओपन बॉल से जिसका के और रेडियस क्या है आर, राइट, इससे बिलोंग करेगा. दैट बी वन जिसका सेंटर एक्स और रेडियस आर वन था, ये सबसेट है किसका, ये हमारे पास क्या है बी बार इसका कंप्लीमेंट, और इसका सेंटर हमने क्या लिया था ए और रेडियस क्या था आर, राइट. सो हम यहाँ से कहेंगे क्योंकि ये हमने जो ओपन बॉल लिया था वो ओपन बॉल जो है इस बॉल के अंदर इसके अंदर कंटेन कर रहा है, इसका सबसेट है. इट मींस दैट कि अगर ये ओपन बॉल इसके अंदर लाई कर रहा है तो यहाँ से कहेंगे कि ये इसका कंप्लीमेंट जो है वो भी क्या है एक ओपन सेट आ रहा है, इसका कंप्लीमेंट क्या आ रहा है ओपन सेट आ रहा है. सो हम कहेंगे सो बी डैश बार इज ओपन आ जाएगा ओपन सेट, ठीक है, क्योंकि इसका कंप्लीमेंट क्या आएगा ओपन सेट आ, हेंस बी बार जिसका के सेंटर ए रेडियस आर इज अ क्लोज्ड सेट, राइट. यानी कि इसको प्रूव के लिए क्या किया हमने, एक क्लोज बॉल लिया है और फिर हम इसको प्रूव किया है कि इसका कंप्लीमेंट क्या है एक ओपन सेट है, राइट. सो कोई भी सेट जो होता है वो क्लोज होता है स्टूडेंट, वो अगर उसका कंप्लीमेंट जो है एक ओपन सेट आ रहा हो या फिर वो ऑल लिमिट्स पॉइंट कंटेन कर रहा हो या फिर उसका क्लोजर जो है उसी सेट के इक्वल आ रहा हो, तो देन हमारे पास वो जो सेट होता है वो हमारे पास एक क्लोज सेट होता है. तो ये तो स्टूडेंट आज का हमारा लेक्चर था. इस लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हाँ, आपको कोई भी क्वेश्चन है कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं स्टूडेंट. नेक्स्ट लेक्चर के अंदर स्टूडेंट हम मीट्रिक स्पेस से ही रिलेटेड किसी नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे. सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. Subscribe to my channel and also press this bell icon.